हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार चौधरी फिर से वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हम डिस्कशन कर रहे थे पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में कि 10 इयर्स हम कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो थी वो हमारे 10 इयर्स की, जिसमें हमने 2019 का एक क्वेश्चन करवाया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। आज हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं और आपके लिए लेके आए हैं 2014 और 2015 के दो क्वेश्चन की क्या 2014 में किस तरीके का क्वेश्चन आया था और 2015 में किस तरीके का क्वेश्चन आया था। जनरली ये क्वेश्चन रिलेटेड हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड के बोर्ड में कितने क्वेश्चन आए हैं हम ये कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें दोनों मेथड से पूछा गया है, कैपिटलाइजेशन मेथड से भी, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी, फिर हम उन दोनों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने सोशल नेटवर्क पर, ताकि जो बच्चे बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, साथ में हमारी भी हेल्प हो जाए और आपकी भी हेल्प हो जाए। हमें से सब्सक्राइबर मिलेंगे, सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें पता चलेगा कितने लोग जुड़ेंगे। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मोटिवेशन मिलता रहेगा, हम आपके लिए लेक्चर सीरीज लेकर आते रहेंगे, अदरवाइज़ हम अपनी फेस टू फेस क्लासेस में फिर बिजी हो जाएंगे। अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम बेटा कंटिन्यू करते रहेंगे, नो डाउट कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से आप शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं। और देखते हैं हम अपना आज का क्वेश्चंस की, आज हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, दो क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आप समझना चाहते हैं पूरी तरह से। अगर आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे मेरे बच्चा, अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे, क्योंकि स्किप कर देंगे। मैं आपको क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन ही नहीं कराता, मैं आपको ये चीज़ भी बताता हूँ कि जो ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था तो वहाँ स्टूडेंट्स ने क्या जनरली मिस्टेक की थी, या आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो क्या गलती हो जाएगी। तो मैं ऑल्टरनेट तरीके भी आपको बताता हूँ कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इन सारी बारीकियों को जानने के लिए और अपने एग्ज़ाम को एज करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छी स्ट्रेटजी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें। चलिए बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के बारे में, आज की वीडियो के बारे में। देखिए, पहले मैं ये दो क्वेश्चन मेरे बच्चा यहाँ पर हैं, मैं पढ़ता हूँ और आप उसके बाद, मैं जैसे इनको रीड आउट करूँगा आपको टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन को नोट डाउन करने का, और उसके बाद हम इनके सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि एक बिजनेस अर्न करता है एवरेज प्रॉफिट, कितने का एवरेज प्रॉफिट अर्न करता है, 6 लाख का ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में एवरेज 6 लाख का प्रॉफिट वो कमाता है, यानी कि आसान कर दिया काम, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल के दिया हुआ है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, इसी तरीके के बिजनेस में जो लोग कमाते हैं वो जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसका 10% कमा लेते हैं। हमने 6 लाख कमाया, लोग कितना कमाते हैं, 10% कमा पाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें टोटल एसेट्स दे रखी हैं 22 लाख 22 लाख्स की, और साथ में हमें लाइबिलिटी दे रखी है 5,60,000 की। जनरली हमें एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखी हैं, याद करो मेरे बच्चा, हमने कहा था हमें नेटवर्थ निकालनी होती है, हमें नेट एसेट्स निकालनी होती है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है, या तो कैपिटल बस रिजर्व कर लेते हैं, या दूसरा तरीका क्या होता है, हम टोटल एसेट्स में, हम क्या टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते हैं किस चीज़ को, आउटसाइड लाइबिलिटी को। तो क्वेश्चन ने बताया नहीं है कौन सी लाइबिलिटी है, तो हम मान के चलेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी ही होंगी। साथ में सर क्वेश्चन ने ये भी नहीं बताया कि एसेट्स के अंदर फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या ये भी इंक्लूडेड है। जब बेटा बताया नहीं है तो कितनी वैल्यू उनकी मानोगे, तो हम मान के चलेंगे जो एसेट्स दे रखी हैं इनमें फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं होंगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं होंगी, और गुडविल की तो हम वैल्यूएशन कर ही रहे हैं, लेकिन अगर पुरानी कोई गुडविल भी होगी तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं बता रखा तो हम मानेंगे वो चीज़ है ही नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बोर्ड में आया हुआ है 2014 सी, मतलब कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे मतलब नहीं है। ये मान के चलो कंपार्टमेंट का पेपर तो बेटा और जनरली टिपिकल हो जाता है, तो और ध्यान देने की जरूरत है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाई सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कह रहा है 2.5 गुने के आधार पे आपको करना है सुपर प्रॉफिट के, यानी कि फिर से वही वाली बात, किसका क्वेश्चन है मेरे बच्चा, सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर आया है। कर लेते हैं स्टार्ट, ये वाला क्वेश्चन आपको याद ही होगा, मेमोराइज ही होगा, तो अब मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, इसके सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ और फिर आपसे डिस्कशन करता हूँ कि आप कैसे करेंगे। जल्दी से मेरे बच्चा, जल्दी से मुझे बताओ वैल्यूएशन कैसे कैसे करते हैं। ठीक है बच्चा, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे मेरे बच्चा, कैलकुलेशन करने के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले। सर सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या निकालोगे, सीक्वेंस में बार बार बात नहीं करेंगे, पिछली बार बताया था
कि किस तरीके से सोचना है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। वो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, उससे पहले वाले लेक्चर में जिसमें पहला क्वेश्चन कराया था, मैं सीधा काम की बात करता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स या नेट वर्थ कैसे निकालेंगे मेरे बच्चा? टोटल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, अगर कोई पुरानी गुडविल है तो उसको नहीं लेना है, फिक्टीसियस एसेट्स को नहीं लेना है, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है। इन तीन को हमें कवर नहीं करना है। इसमें से माइनस कर देंगे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्या माइनस कर देंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट्स जो क्वेश्चन में गिवन है मेरे बच्चा, वो गिवन है 22 लाख की। तो सर हमें बताया ही नहीं है कि कितनी इसमें पुरानी गुडविल है, कितनी फिक्टीसियस है या कितनी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो जीरो मान लेंगे मेरे बच्चा। नहीं बताया तो हम कहाँ से लाएंगे? तो जीरो हो जाएंगी वो सारी चीज़। यानी कि समझो कितना आसान सा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। एक्सटर्नल लाइबिलिटी 5,60,000 की हैं। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ माइनस करने के बाद कितना आएगा मेरे बच्चा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 16,40,000 कितना आएगा? 16,40,000। तो पहली चीज़ हमने निकाल ली कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। दूसरे में हमें क्या करना है? हमें निकाल लेना है नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितनी भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसका रेट अपॉन 100। तो मेरे बच्चा कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाला है 16,40,000, और क्वेश्चन ने कितना बोला था, कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से लोग कमा लेते हैं? 10% बोला था, 10/100। तो कितना आ जाएगा? 1,64,000 लोग नॉर्मली अर्न कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा हम देख लेते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है। कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखी है ये चेक कर लेंगे। तो कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नहीं है मेरे बच्चा। सीधा क्वेश्चन ने आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है जो 6 लाख रुपए का है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के नाम पे जीरो है। तो 6 लाख एज इट इज़ आ जाएगा। फोर्थ में आप निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट, सिल्पा सेट्टी प्रॉफिट, सुपर से भी ऊपर। 6 लाख में से माइनस करेंगे 1,64,000। आई एम वेटिंग, जल्दी से माइनस करके बताओ मेरे बच्चा कितना आएगा? 6 लाख में से 1,64,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? जल्दी से 4,36,000 सर आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे गुडविल निकालने के लिए? सर क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वाई नहीं है, ईयर्स लिखा है। शॉर्ट में कर रहा हूँ सर, पेपर में हम कर सकते हैं ना बेटा? मुझे तो यहाँ टाइम का थोड़ा सा इशू है कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लगे, लेकिन पेपर में मेरे बच्चा पूरा लिखोगे इनटू 2.5। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ गुडविल कितने की आएगी? जल्दी से फास्ट फास्ट, 10,90,000 की गुडविल आ जाएगी। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, 2014 में आया था ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से ठीक है बेटा, इसके बाद बात कर लेते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो सेकेंड पार्ट में था, देखो क्वेश्चन इसके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाई अ फर्म। मैं रीड आउट करता हूँ, जल्दी से रीड आउट करो। द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाई अ फर्म इज 7,50,000 इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। एक एडजस्टमेंट आ गई साहब, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की एडजस्टमेंट। यानी कि मैंने जो आपको पढ़ाया था काम का पढ़ाया था, अरे वाह, कितने का अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है? 5,000 एज ऑन ओ, ये क्या लिखा हुआ है, ऑन एन एवरेज बेसिस। 5,000 का एवरेज बेसिस पे एक स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड है, ठीक है जी। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज 7 लाख। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में है हमारी 7 लाख की है, मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख का है। और 7 लाख लगा के नॉर्मल जो लोग कमा लेते हैं वो 7%, शायद सही से विजिबल ना हो तो मैं बोल रहा हूँ 7% ये लिखा हुआ है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 5 गुने के आधार पे, सुपर प्रॉफिट के 5 गुने के आधार पे आप हमें गुडविल की वैल्यूएशन करके दिखाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस मेरे बच्चा। जल्दी से आपने रीड आउट कर लिया होगा। जल्दी से इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप कह सकते हो वेरी लड्डू क्वेश्चन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो मेरे बच्चा।
जल्दी से स्टार्ट करो। क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको? सर वही बात, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है? कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा दे रखा है तो निकालने की ज़रूरत है नहीं, 7 लाख रुपीज़ का। सर रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 7%, तो कितना आ जाएगा बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 7 लाख × 7/100। 7×7 = 49 होता है शायद, मैथ वालों सही बोल रहा हूँ ना? ये पहला काम ख़त्म हो गया हमारा, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लिया, तीसरा क्या करेंगे हम? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से माइनस या प्लस कर देंगे एडजस्टमेंट। बेटा माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कर देंगे एडजस्टमेंट। तो एवरेज प्रॉफिट कितने का दे रखा है क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार, 75,000 का। और क्वेश्चन ने दिया हुआ है अंडर वैल्यूएशन, क्वेश्चन ने दिया हुआ है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो दो बातें यहाँ पे, सर ये जो स्टॉक है ये कौन सा है? जब बेटा कुछ ना बताए तो स्टॉक को मानते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा मानते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। याद करो मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक किसकी तरह होता है? आपकी इनकम की तरह होता है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, प्रॉफिट बढ़ा देता है, इनकम नहीं होता, इनकम की तरह आप इसको मान के चलें। देखो नेट क्रक्स पे जा रहे हैं ताकि हम आसानी से समझ पाएं। क्रेडिट साइड में सेल्स लिखी गई, उसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया तो हमने इनकम या प्रॉफिट की तरह उसको मान लिया। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड लिखा जाता है तो इनकम या प्रॉफिट की तरह, मानी कि इस एक्टिविटी से क्लोजिंग स्टॉक से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। बी केयरफुल, ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखा या क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा लिखा। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखा तो इसका मतलब आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखते हैं तो आपने प्रॉफिट को कम कर दिया, और अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप ज़्यादा लिखते हैं तो आपने अपने प्रॉफिट को ज़्यादा लिख दिया। क्या हवाबाजी चल रही है? क्या हवाबाजी चल रही है कि अपनी मर्जी से ज़्यादा लिखेंगे प्रॉफिट, अपनी मर्जी से कम लिखेंगे प्रॉफिट? नहीं सर, सही बात लिखेंगे तो सही करो। आपने प्रॉफिट को कम क्यों लिखा? आपने क्रेडिट का क्यों कम किया, यानी कि आपने कम प्लस क्यों किया? तो और प्लस कर देते हैं, जल्दी से और प्लस कर दें भाई। आपने कम प्लस किया हुआ है, हम और प्लस कर देते हैं। आपने ज़्यादा प्लस कर रखा होता तो हम माइनस कर देते। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मेंशन करके कि सर हमने ये बात उस टाइम पे अच्छे से सीख ली थी या अब ये हमें रिवाइज हो गई, आपने जब दोबारा से बताया। रटने का तरीका भी बताया था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता है, इनकम की तरह ट्रीट होता है। इनकम पहले से ज़्यादा लिखी हुई है, ओवर लिखी हुई है तो माइनस कर दो, कम कर दो, जितनी है उतनी करो। इनकम कम लिखी हुई है तो क्यों कम लिखी हुई है? जितनी है उतनी करो, तो कम लिखी हुई है तो बढ़ा देंगे, ज़्यादा लिखी हुई है तो कम कर देंगे। तो जैसे ही हम इसमें 5,000 प्लस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा मेरे बच्चा 80,000। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ फोर्थ पे, 1, 2, 3, 4। सुपर प्रॉफिट निकालो। कैसे निकालोगे? 80,000 - 49,000। मैथ वालों आपका काम आ गया, जल्दी से माइनस करके बताओ मुझे, मुझे नहीं आता माइनस करना। जल्दी से 31,000 आ गया सर माइनस करके, वेरी गुड। तो बताओ जरा गुडविल कितनी आएगी? उसने कहा था कितने सालों के आधार पे, चेक कर लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन ने बोला था 5 सालों के आधार पे, तो 15, 5, 1,55,000 रुपये हमारे गुडविल के आ गए। ठीक है मेरे बच्चा, समझ में आया? ये क्वेश्चन आए हुए थे 2014 और 2015 के एग्ज़ाम में, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, दोनों कंपार्टमेंट में आए हुए हैं। लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। साथ में अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर हमसे कमेंट करके पूछें, और मैं फिर को आपसे एक क्वेश्चन आपको एक देता हूँ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ मेंशन करके कि फिक्टीशियस एसेट्स क्या होती हैं या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं। मैंने इन दोनों का मीनिंग पहले भी काफ़ी बार पूछा, किसी बच्चे ने नहीं बताया। जल्दी से मीनिंग या एग्जाम्पल मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में मेंशन करके कि फिक्टीशियस एसेट्स क्या हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हैं। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें देते रहें। घर रहें, सुरक्षित रहें, इंजॉय करते रहें, स्टडी को पढ़ते रहें हमारे साथ, अकाउंट हवेली के साथ। जय हिंद, जय भारत।